हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं हूं क्रैकी और मैं वापस आ चुका हूं विद द न्यू एपिसोड ऑफ ईस्पोर्ट्स इन फाइव। हम इस शो में नजर मारते हैं वर्ल्ड ऑफ ईस्पोर्ट्स में हो रही सारी चीजों के ऊपर इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। वेलोसिटी गेमिंग ने हाल ही में विबोर को अपने वैलोरेंट लाइनअप से रिलीज कर दिया है। विबोर 2 साल तक वेलोसिटी गेमिंग के रोस्टर के हिस्सा थे और उनकी ये खबर रिलीज होने की वजह से काफी फैंस को हैरानी भी हुई। उसी के साथ साथ हमको एक और अनाउंसमेंट देखने को मिली जहां पे हमें पता लगा कि अब MW1 ज्वाइन करने वाले हैं वेलोसिटी गेमिंग के इस रोस्टर को। साथ ही साथ MW1 तो रोस्टर में आ ही आए हैं बट उनके साथ 2 और लोग ऐड हुए हैं वेलोसिटी गेमिंग के बैनर में, जो कि है CA एज एन एनालिस्ट और साथ साथ ऑपरेशंस मैनेजर, और उसी के साथ साथ स्लीपी एज अ वैलोरेंट स्क्वाड कंसल्टेंट। हमारी तरफ से इन सभी को ढेर सारी बधाई। ओरांगुटान ईस्पोर्ट्स ने पब्लिकली जारी किया है अनाउंसमेंट फॉर देयर वैलोरेंट मेंस रोस्टर। इस रोस्टर में हमको नजर आएंगे घोस्ट, विभोर, पर्शिया, टेसराक और मुस्तफा कमल। हमारी तरफ से इन सभी प्लेयर्स को ढेर सारी बधाई। इंडियन पोकेमॉन यूनाइट प्लेयर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। गुड न्यूज। तू फालतू बकना बंद कर रहा है क्या? व्हाट फॉर रियल डूड? मैंने बोला है इंडियन पोकेमॉन यूनाइट प्लेयर्स के लिए, तेरे लिए नहीं। तू चुप हो जा। इंडियन पोकेमॉन यूनाइट प्लेयर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अब इंडिया रीजनल फाइनल्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा बन पाएगा। पिछली बार जब वर्ल्ड चैंपियनशिप की अनाउंसमेंट हुई थी तब इंडिया रीजन शामिल नहीं था, बट अब रीजनल फाइनल के जरिए जा जरूर सकता है। रीजनल फाइनल्स के लास्ट चांस क्वालिफायर्स के रजिस्ट्रेशन इसी महीने से शुरू होने वाले हैं, तो ये सुन के इंडियन पोकेमॉन यूनाइट प्लेयर्स को काफी राहत मिली होगी, है ना? सो तैयार हो जाइए फॉर सम पोकेमॉन यूनाइट एक्शन। The Hangzhou Asian Games 2022, जो कि होने वाला था 10 से 25 सितंबर के बीच में, वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है चाइना में कोविड वेव के चलते। अब तक कोई भी अल्टरनेटिव डेट जारी नहीं की गई है। सिमर साइज 80 ने हाल ही में M42 ईस्पोर्ट्स को क्विट किया और उन्होंने जो कारण बताए अपने क्विट करने के, वो थे कि बूट कैंप में PC के हालत खराब थे और साथ ही साथ काफी परेशानियां भी थी। उसी के साथ साथ गोपी भी हमको लीव करते हुए नजर आए M42 ईस्पोर्ट्स। गोपी ने हाल ही में यह भी बताया था कि वो अब साथ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और साय VCT से पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले हैं, और हाल ही में साय ने ज्वाइन किया है ट्रू रिपर्स ईस्पोर्ट्स को। हम उन्हें ढेर सारी बधाई देते हैं इस नए बैनर के अंडर। द राउंड रॉबिन स्टेज ऑफ लोको प्रेजेंट स्प्रिंट इन्विटेशनल BGMI कंक्लूड हुआ और हमें मिल चुके हैं 16 फाइनलिस्ट, जो हैं OR ईस्पोर्ट्स, उसके साथ साथ निग्मा गैलेक्सी, ओरांगुटान, रिवेंज ईस्पोर्ट्स, गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स, मार्कोस गेमिंग, रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स, हाइड्रा ईस्पोर्ट्स, राइवलरी ईस्पोर्ट्स, रेकनिंग ईस्पोर्ट्स, टीम इनसेन, एनिग्मा गेमिंग, हैदराबाद हाइड्राज, टीम ब्लाइंड, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एंड टीम एडमिन। हमारी तरफ से इन सारी टीम्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये लाइव एक्शन आप कैच कर सकते हैं 13 मई से इन फाइनलिस्ट का ओनली ऑन पेंटा ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड लोको चैनल पे भी। हाल ही में फॉर्मर पनाटिक इंडिया हेड और नॉटविन गेमिंग के ग्लोबल हेड फॉर पार्टनरशिप्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट निमिष रॉथ ने यह कहा अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कि इंडियन ईस्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक मजाक बन चुकी है। उनका पोस्ट आता है लोगो के ऑफिशियल बैकग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2022 के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के अनाउंसमेंट होने के बाद। उनके हिसाब से लोगो क्राफ्टिंग ईस्पोर्ट्स डील के मीडिया राइट्स रेवेन्यू का कुछ हिस्सा ईस्पोर्ट्स की इकोसिस्टम की टीम्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। रायट गेम्स लॉस एंजलिस फेडरल कोर्ट में मुंडन टेक्नोलॉजी को एक बार फिर से सू कर रहा है उनके मोबाइल मोबा टाइटल लीग ऑफ लेजेंड्स वाइल्ड रिफ्ट को कॉपी करने के लिए। मुंटन के मोबाइल लेजेंड्स बैंग बैंग MLBB पर यह इल्जाम है कि उन्होंने काफी सारे कैरेक्टर्स, स्किन और प्रमोशनल मटेरियल को कॉपी किया है। हालांकि मुंटन की तरफ से इस इल्जाम पे कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। न्यूयॉर्क सिटी ने एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को सू किया है। जी हाँ, लॉसूट दर्ज कराया न्यूयॉर्क सिटी एम्प्लॉयज रिटायरमेंट सिस्टम और शहर के टीचर्स, पुलिस और फायर फाइटर्स के पेंशन फंड्स ने डेलावेयर में। इंटरेस्टिंगली ये ग्रुप्स एक्टिविजन स्टॉक को ओन करते हैं और काफी स्ट्रांगली मानते हैं कि मैनेजमेंट के एक्शंस ने कंपनी के वैल्यूज पे काफी चोट पहुंचाई है। उसी के साथ साथ लॉसूट में इस बात का दावा भी किया गया है कि CEO ऑफ ब्लिज़र्ड बॉबी कॉटविक ने जो कंपनी की सेल की थी माइक्रोसॉफ्ट को, उसमें भी वो नेगोशिएट करने में असक्षम थे। उनके वर्क प्लेस पे किए कहे जा रहे मिसबिहेवियर और साथ ही साथ अब्यूज को मद्देनजर रखते हुए लॉसूट ये भी सवाल खड़े कर रहा है कि ये हाईली सस्पिशियस ट्रेड्स टीम कॉविक एफिलिएट्स को $100 मिलियन का प्रॉफिट करवाने की मंशा से की गई है। ऑलराइट, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। आई है, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
सारे के सारे सोशल हैंडल्स पे पेंटाइम स्पोर्ट्स को फॉलो कर लो, आपको मिलने वाले हैं सबसे पहले अपडेट्स। हम वैसे अब लोगो पे भी हैं, वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। हमसे बातचीत करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आके ज्वाइन करके बातचीत कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।